फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधे रेडी होके, बिकॉज आज है मंडे और अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लेना है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। और वहीं से हम लोग जाएंगे मंदिर भी। और मैंने जो है साबूदाने और चाय वगैरह मैं लेती हूँ मंडे को, तो वो मैंने ले ही लिया है, उस मैंने आपको दिखाया भी है। सो, बस मैंने उसे ले लिया है और मेरे हस्बैंड ने भी जो है लंच कर लिया है। और आज लंच में मैंने बनाई थी आलू सेम की सब्ज़ी और पराठे, तो उनको मैंने लंच भी दे दिया है। सो, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने डाली है ये टी शर्ट ब्लू कलर की एंड जीन्स। अभी इसके ऊपर मैं जैकेट भी डाल लूँगी, बिकॉज सर्दी है। अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार और बस वहीं से मंदिर भी जाएंगे और देखते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। फाइनली हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैंने डाल ली है ये जैकेट इसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है काफ़ी सर्दी है और शाम को आते आते हमें नाइट हो जाएगी, तो काफ़ी सर्दी हो जाती है। तो मैं ये जैकेट पहन ली है एंड साथ में मैंने जीन्स पहना है, तो मैंने ये साथ मैंने डाले हैं ये शूज। मैं ये लिफ्ट बंद कर दूं एंड हम लोग, ये हमारा पार्किंग एरिया है, उसमें हम लोग हैं। ये है हमारा पार्किंग एरिया और अभी जो है हम लोग अपनी कार को बाहर निकाल रहे हैं। मैं अभी खड़ी हुई हूँ, तो चलिए चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं वापस घर पर, और मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग जाएंगे बिग बाज़ार, और वहाँ से रिटर्न में हम लोग गए थे मंदिर। तो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अभी घर पर, और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड फेस वॉश कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे डिनर भी बनाना है, और जो सामान वगैरह लेके आई हूँ उसे भी मैंने मुझे निकाल के रखना है। मुझे थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो बस वही लेके आई हूँ। और आपको पीछे वो दिख भी रहा होगा शायद, वो रखा हुआ है बिग बाज़ार का सामान जो कि हम लोग लेके आए हैं। सो वहाँ पर रख दिया है अभी। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। और मॉल में जो है काफ़ी अच्छी सजावट थी क्रिसमस डे के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप लगाया हुआ था, वो हर साल ऐसे ही करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर। मैंने उसे आपके साथ शेयर भी किया है। तो बस यही सब था। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में, और डिनर बनाना है मुझे, और दूध को भी बॉईल होने के लिए रखना है। दूध भी अभी बॉईल नहीं हुआ है। सो चलिए, और ये जो सामान रखा हुआ है ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि हम लोग क्या लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो ये सामान हमने लाके अभी यहाँ पर रख दिया है, और मैं लेके आई हूँ ये 10 kg का आटे का पैकेट गोल्डन का, एंड ये ग्रॉसरी का सामान। मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, एंड यहीं पर जो है मुझे बिग बाज़ार का सामान भी निकाल के रखना है। सो मैंने यहीं पर उसको रखवा लिया है। ये रखा हुआ है बिग बाज़ार का सामान, एंड ये है दूध जिसे बॉईल करना है। तो चलिए दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से, एंड दूध को भी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो मैं लाई हूँ ये कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट, और इसमें एक्चुअली ऑफ़र था बाय वन गेट वन, और इसकी जो प्राइस थी वो थी 299। ये बाय वन गेट वन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप हाफ रेट में जो है एक ले सकते थे। तो मैंने जो है एक ही पैकेट लिया है 150 का, दो पैकेट नहीं लिए हैं मैंने। एंड मैं लाई हूँ एक ये पाव का पैकेट, ये मुझे अच्छा लगता है चाय के साथ, तो मैंने एक इसे लिया है। और मैं लाई हूँ ये सोया चंक्स, और इसके साथ ये फॉर्चून के हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं एक फ्रूट बाउल फ्री है। सो वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि इसके साथ कौन सी बाउल फ्री आई है। एंड मैं लाई हूँ एक ये यप्पी नूडल्स का पैकेट, इसके साथ भी बाउल फ्री आई है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि इसके साथ कौन सी बाउल फ्री आई है। और एक मैं लाई हूँ ये चने दाल का पैकेट, ये 1/2 kg का है। और मैं लाई हूँ एक टाटा सॉल्ट का पैकेट, और साथ में मैं लेके आई हूँ ये मूंगफली के दाने हैं, ये ओपन वाले लिए हैं मैंने। और एक ये महाकौश रिफाइंड ऑयल का 1 लीटर का पैकेट लिया है, और इसमें जो है चीनी है एंड राइस हैं जो कि ओपन वाले हैं। सो बस ये इतना सामान मैं लेके आई हूँ। मैं थोड़ा ही ग्रॉसरी का सामान लाई हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी जो है अभी स्टॉक में रखा हुआ है, तो जिसकी मुझे ज़रूरत थी बस उतना ही सामान मैं लेके आई हूँ। सो बस इतना ही ग्रॉसरी का सामान मैंने लिया है, और अभी जो है इन्हें मैं इनकी जगह पर रख दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर। एंड ये वो बाउल है जो कि यिप्पी नूडल्स के साथ फ्री आया हुआ है, अभी ऑफ़र में है। और ये वो बाउल है जो कि सोया चंक्स के साथ आया है, तो बस ये दोनों बाउल जो हैं इसके साथ फ्री आए हैं। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ डिनर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ सूखे आलू की सब्ज़ी। मैं यहाँ बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल तरह से इसे मैं बनाऊँगी। सो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद मैंने उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सरसों ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, और साथ में इसमें 1 पिंच हल्दी भी ऐड करूँगी। और प्याज हरी मिर्च जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये आलू बॉयल, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च ना डालें। और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे, तो हमारी आलू की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया।
सो फ्रेंड्स, मेरा डिनर बनकर रेडी हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। सो मैंने सोचा उससे पहले कि मैं अपने इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। सो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे मैं कहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।